Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Artist World. Here is the good news, because I'm going to start an amazing YouTube video series of online classes by day 1, 2, 3 and so on, all about drawing and art, which highly helpful to you if you are a student. You can make your school project by yourself. If you are a teacher, it helps to guide your student with techniques. With just few things, let's start our day 1. स्क्रीन शीट के ऊपर हमने डे 1 मेंशन कर देना है. डे 1 मेंशन करने से ये होगा कि ये तमाम ड्राइंग पेजेस, तमाम डे क्लासेस हमारे पास महफूज हो जाएंगी और हमें जब ज़रूरत होगी हम उसको रिकॉल कर लेंगे. या आप अपने आसपास किसी को सिखाना चाहते हैं तो आप उसे गाइडलाइन दे सकते हैं. अब हमने स्टार्ट करना है लाइन ड्रॉ करना. राइट टू लेफ्ट आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है. कुछ लोगों को आता होती है डॉटेड लाइन के बाद उसको मैच कर देते हैं. ये तरीका बिल्कुल गलत है. आपकी लाइन तो ड्रा हो जाएगी लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी ज़रूर होगी. आपने फास्टली अपने हाथ को मूव करना है लेफ़्ट टू राइट और आपने इस प्रैक्टिस को फास्टली घुमाते जाना ताकि आपके हाथ से सीधी लाइन लगना शुरू हो जाए. ये था आपका मेथड 1 और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके. सेकेंड पॉइंट में आपने लेफ़्ट टू राइट लेकर आना है. लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाना और फास्टली 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 घुमाना अपने हाथ को ताकि आपके हाथ को फास्टली आदत हो जाए आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की. ये था आपका सेकंड पॉइंट और इसको आपने 15 टाइम्स प्रैक्टिस में लाना है. आई मीन टू से कि 15 बार आपने राइट टू लेफ्ट लेकर जाना है और 15 बार आपने लेफ्ट टू राइट लेकर आना है. इस प्रैक्टिस के बाद हम ड्रॉ करेंगे अप टू डाउन. अप टू डाउन आपने लाइन को प्रैक्टिस में लाना है और इसको भी 15 बार अपने हाथ से घुमाना है. 15 बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. स्ट्रेटली फास्टली आपने लेके जाना है और फिर इसको मेंशन कर देना है कि ये अप टू डाउन वर्ड है. ड्राइंग पेपर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना है इट्स राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ताकि आपको बाद में जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको देख सकते हैं. अब बारी है नीचे से ऊपर की जानिब जाने की. आहिस्ता आहिस्ता ड्रा करना शुरू करना है. आहिस्ता आहिस्ता से आपने अपने हाथ को तेज़ी से घुमाना है. तेज़ जाते जाएंगे और आपका एक दिन ऐसा होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे. इस लाइन की प्रैक्टिस की वजह यह है कि आप जितने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को भी बनाओगे, इन तमाम चीज़ों का होना आना आपको ज़रूरी है. ये कंपल्सरी थिंग्स हैं. एक सर्कल का ड्रा करना, स्क्वायर का बनाना, लाइन का ड्रा करना, कर्व का बनाना, ज़िगज़ैग का बनाना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं. आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रा नहीं करनी आएगी तो आप कुछ भी नहीं बना सकते हो. ये फंडामेंटल्स हैं आर्ट और ड्राइंग के. आर्ट और ड्राइंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइंस हैं. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक सर्कल की. सर्कल आप छोटा ड्रा करेंगे. छोटा ड्रा करने के बाद आप थोड़ा सा बड़ा ड्रा करेंगे. ये होगा आपका सर्कल ड्रा करते करते आपने अपने हैंड को फास्टली मूव करना है और ये आपका सर्कल भी आप बड़ा 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 बनाते जाएंगे, ताकि आप बड़ा सर्कल भी अपने एक फ्लो में बना लें और छोटा सर्कल भी फ्लो में बना लें. ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज. आप इसको मेंशन कर दें कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आप. और फिर दूसरे की हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि क्लॉकवाइज होगा, उसको भी सेम एस मेथड से आपने रोटेट करना है. और याद रहे कि इसको भी आपने 15 टाइम प्रैक्टिस में ज़रूर लाना है. अब हम ड्रा कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज को भी आपने बिल्कुल ऐसे ही छोटे से भड़े की तरफ बड़ा 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 बनाते जाना. आपका खुद ही हाथ फ्लो में आ जाएगा और आपको जब भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आप इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लें और मेंशन कर दें कि ये क्लॉकवाइज है. अब उसके बाद हम एक स्क्वायर ड्रा करेंगे. लाइंस हमने सीखी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप. अब उन्हीं लाइंस की मदद से एक स्क्वायर बना लिया हमने. उस स्क्वायर को भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे कि हम उसके इतराफ में, उसके अंदर में एक दायरा ड्रा करना शुरू कर देंगे, ताकि वो दायरा तमाम इतराफ टच करता रहे. और उसके पहले अंदर दायरा बनाना है, फिर उस दायरे को घुमाते घुमाते हमने उस स्क्वायर के बाहर ले जाना है, ताकि आप उसको एक लिमिटेड एरिया में भी देख सको कि कैसे आपने दायरे को एडजस्ट करना है. अब आती है बारी आपकी. ये याद रखना है कि आपने लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कैसे लेकर जाना था. ये चीज़ें आपने अपनी एक साइड पे कॉर्नर पे ऐड कर लेनी है कि ये हमने इस दिन में ये सीखा है. अब हम बनाएंगे एक सर्कल अलहदा से. उस सर्कल के हम उसको लेकर जाएंगे, सिर्फ उसके अंदर अंदर दायरा ड्रा करेंगे.
ताकि आप एक बाउंड्री एरिया के अंदर कैसे सर्कल ड्रा कर सकते हो। वैसे तो फ्लो में आप बड़ा बना लोगे, छोटा बना लोगे, वो नहीं हो सकेगा। फुल आज का जो आपका काम है वो सर्कल्स हैं, दो सर्कल, दो स्क्वायर और स्ट्रेट लाइंस अप टू डाउन, डाउन टू अप, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इन्हीं तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। कुछ लोगों को ये वीडियो लग रही होगी बिल्कुल बच्चों वाला काम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम फंडामेंटल्स अगर आपको आ जाएंगे तो आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट को आपने चिट आउट कर लिया, डे वन लिख लिया और एक क्लियर बैग में आप इसको महफूज कर दें। और ये क्लियर बैग आपने अपने पास रखना है। हम हर वीडियो, हर ड्राइंग पेज को लेबल करेंगे डे वन डे टू के नाम से और उन तमाम चीज़ों को हम इस क्लियर वन की क्लास में सिर्फ इतना ही, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर में सर्कल, सर्कल में स्क्वायर, जस्ट इतना ही। आर्ट का काम प्री क्लासेस से ही शुरू हो गया, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम लोगों को ये फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली क्लासेस आपको फ़ौरन से पहले नोटिफिकेशन में आ जाएंगी और आप उसे अपने रूटीन वक्त में से 5-6 मिनट निकाल कर उसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।